जब हम ज्यादा देर एक आसन में बने रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे बॉडी सेल्स में जो फैट है उसको धीरे धीरे खत्म करती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट का जमा हो जाना। वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, पर ये बहुत सारी बीमारियों के लिए दरवाजे खोल देती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, अल्सर, पैरालिसिस, स्किन डिजीजेस, स्लीपलेसनेस और इम्पोटेंसी जैसी बीमारियों को भी ये जन्म देती है धीरे धीरे। ओबेसिटी हमारे अंदर आ जाती है बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा लेजीनेस, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना और बैठे रहने की आदत, कुछ करने की आदत नहीं। जब हमारे अंदर से एक्टिवनेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है तब हम बढ़ जाते हैं ओबेसिटी की तरफ। तो ओबेसिटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, आप रनिंग के लिए जाइए, आप साइकिलिंग के लिए जाइए, स्विमिंग के लिए जाइए, साथ ही साथ आप योगा अभ्यास भी करें, क्योंकि योगा अभ्यास हमारे मानसिक स्तर को भी बहुत बदलता है। जब हमारा मेंटल स्टेटस जब चेंज होता है तो हमारा फिजिकल स्टेटस भी अपने आप धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से हैं पांच सरल योगासन जिसको हम अगर नित्य अभ्यास करते हैं तो हमारी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हमारे जो मोटापे की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमारा पहला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए आप अपने घुटनों पर आ सकते हैं और अपने घुटनों से अपने हील्स पर आराम से बैठ जाएं, अपने पैरों को फोल्ड करके। और इस आसन में हम जितनी देर भी बैठ सके कंफर्टेबली, उतनी देर हमें इस आसन में बैठना है। कोशिश करें कि 5 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक आप रोज इस आसन में बैठ सकें। इसके बाद हमारा दूसरा आसन है भुजंगासन, जिसके लिए हम यहां से ही आगे की ओर आएंगे और अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरीके से नीचे की ओर ले जाते हुए अपने शोल्डर्स को नीचे, चेस्ट को बाहर, गर्दन ऊपर और पीछे की ओर ध्यान देंगे। पीछे अपनी पीठ को पूरा कर भुजंगासन। भुजंगासन में भी कोशिश करें कि जितनी देर हो सके उतनी देर आप इस आसन में बने रहें। जब हम ज्यादा देर एक आसन में बने रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और धीरे धीरे हमारे बॉडी सेल्स में जो फैट है उसको धीरे धीरे खत्म करती है, उसको धीरे धीरे गला देती है। हमारा तीसरा आसन है सलभ आसन। सलभ आसन के लिए हम अपने मैट पर आराम से लेट जाएं, पेट के सहारे, हाथों को अपने साइड्स में रखना है, पैर हमारे पीछे, धीरे से हम अपने एक पैर को, राइट लेग को पहले ऊपर की ओर उठाएं, मैक्सिमम ऊपर की ओर होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर और फिर नीचे। इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर को ऊपर होल्ड करेंगे और फिर नीचे। अभी हम अपने दोनों पैरों को साथ में पीछे उठाएंगे, इसके लिए अपने हाथों को मुट्ठी में बनाना है, अपने थाइस के नीचे लगा लें और फिर दोनों पैरों को साथ में पीछे ऊपर की ओर सीधा और पीछे होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर नीचे। हमारा चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने पैरों को फैलाएंगे, अपनी पीठ, कमर, गर्दन को सीधा रखते हुए सीधा बैठे, अपने हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर और फिर एक्सहेल करते हुए हम आगे की ओर आएंगे धीरे धीरे। अपने पेट को कोशिश करें कि आपकी थाइस से टच हो आगे, अपने पैरों को अपनी तरफ खींचे और अपने आप को आगे की ओर। तो पश्चिमोत्तानासन भी हम कोशिश करें कि जितना ज्यादा हम अपने आप को आगे की ओर खींच सके और नीचे अपने आप को, हमें इसमें सामने देखते रहना है ताकि हमारी पीठ पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच हो। और फिर जब आपका पेट, आपका चेस्ट पूरी तरीके से आपके थाइस से लग जाए, फिर आप अपने सर को नीचे, इसमें भी हम जितनी ज्यादा देर अपने आप को होल्ड करेंगे उतनी ज्यादा हमारी मसल्स खिंचेंगी, उतनी ज्यादा हमारे सेल्स बर्न आउट होंगे और हमारा जो फैट है, एक्सेस फैट है, वो गल के बाहर होगा। हमारा पांचवा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को साथ में, अपने हाथों को साइड से पूरा ऊपर, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, पाम्स फेसिंग अपवर्ड ऊपर की ओर,
पूरा स्ट्रेच देंगे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे सांसों को भरते हुए अपने पंजों पर टोस पर पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच और फिर नीचे। थोड़ी देर तक हम अपने पैरों को पूरा स्ट्रेच दें ऊपर नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 8 से 10 बार ऐसा करने के बाद हम अपने आप को ऊपर ही रोक लें अपने टोस पर, पूरा स्ट्रेच ऊपर की ओर, अपने फिंगर से लेकर के अपने टोस तक पूरा स्ट्रेच, सामने की ओर देखें, होल्ड करेंगे अपने आप को 20 सेकेंड तक, अपने आप को होल्ड करें और फिर नीचे रिलैक्स। हमारा छठा आसन है त्रियताड़ासन। त्रियताड़ासन के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, 4 से 5 इंच का गैप हमारे पैरों के बीच में। हाथों को पूरा ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक कर ले, आर्म्स हमारे बिल्कुल स्ट्रेट। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड बेंड करें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे। ध्यान रहे त्रियताड़ासन यानी कि जो एक ताड़ का जो पेड़ होता है, जब आंधी चलने पे जब वो हिलता है इधर से उधर, तो उसके नीचे जो तने होते हैं वो सीधे होते हैं, हाथ और ऊपर का जो धड़ होता है पेड़ का, आंधी में सिर्फ वही हिलता है। तो एक तरफ जाएंगे, हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर देखें अपने सीलिंग की तरफ, होल्ड करेंगे, वापस सेंटर में इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए अपने दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर की ओर देखें अपने सीलिंग की तरफ, अपने आसमान, अपने स्काई की तरफ, होल्ड करेंगे, फिर वापस इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। तो त्रियताड़ासन भी हम धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं हम 10 सेकंड तक 1 सेकंड में होल्ड करने का, 10 सेकंड हम दूसरी साइड में हमने अपने होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसकी काउंटिंग 10 15 20 धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ओबेसिटी के ऊपर पसंद आया होगा। अगर आपका वजन, अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा है, अगर आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है अगर वो 25 से ज्यादा है, तो आप भी ओबेसिटी के शिकार हैं। आपको भी अपने सेहत को लेकर के, अपने वेट को लेकर के कुछ इफेक्टिव प्लान्स को करने होंगे, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी है, लेजीनेस को अपने से दूर रखना होगा, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनानी होगी, फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना होगा, हल्का खाना, कैलोरीज को बर्न करना है और अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके आसपास इस तरीके के लोग हैं जिनका वेट बहुत बढ़ रहा है या जो ओबेसिटी के शिकार हैं, तो प्लीज ये वीडियो आप उनसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।